अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग इफ वैल्यूज़ इन्होंने गिवन की हुई, लॉग ऑफ 2 की भी गिवन है, लॉग ऑफ 3 की, 5 की भी और 7 की। क्वेश्चन है लॉग ऑफ 105। पहले सबसे आपने क्या करना है, लॉग ऑफ 105 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम हमने लिया तो 3, 5, 7 आया, तो यहाँ पर आपने क्या करनी है, 105 की जगह 3, 5, 7 लिख देना है। अब यहाँ पर देखें लॉग प्लस मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा, साथ में लॉग आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाएगा और साथ में लॉग ऑफ 7 आ जाएगा। अब लॉग ऑफ 3 की वैल्यू भी गिवन है, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू भी गिवन है, लॉग ऑफ 7 की वैल्यू भी गिवन है। आपने वैल्यूज पुट की, सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 108। 108 का एलसीएम लेंगे, लॉग कितने, 2 कितने टाइम्स आए, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लिख देंगे, और लॉग 3 कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर लॉग कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और अब आपके पास ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो इनको आपने किस में कर देना है, प्लस में कर देना है। लॉग इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 पावर में है तो इसको पहले लिख देंगे, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ये 3 पावर में, इसको भी पहले लिख देंगे तो लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। 2 उसी तरह लिखना है तो लॉग ऑफ 2 की भी वैल्यू पुट कर देनी है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 3 उसी तरह, तो लॉग ऑफ 3 की भी वैल्यू पुट कर देनी है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग ऑफ 3 अंडर रूट 72। पहले आपने लॉग ऑफ अंडर रूट की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो आपने क्या करना है, अंडर रूट को हटाकर 1/3 लिख देना है। अब ये पावर में है तो पावर में जब भी वैल्यू हो तो उसको पहले आप लिख देते हो। तो 72 का एलसीएम लिए, 2, 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपने उनकी पावर में लिख देना है। अब मल्टीप्लाई में तो लॉग ऑफ 2 की पावर 3 भी अलग देंगे, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो लॉग ऑफ 3 की पावर, यहाँ पर लॉग ऑफ 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग ऑफ प्लस में इधर मैंने दोबारा अच्छा चेंज करके भी लिख दिया, 1/3 लॉग ऑफ 2 की पावर 3, और लॉग प्लस 1/3 लॉग ऑफ 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 है, पावर आप आ रही है तो पावर आप लॉग से पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 पावर में आ रही है तो इसको भी आपने पावर क्या करनी है, पहले लिख देनी है, ठीक है। ये पावर पहले लिखती है। अब यहाँ पर तो ये 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, 2/3 इसको उसी तरह। अब लॉग ऑफ 2 की भी वैल्यू पुट करनी है, 2/3 उसी तरह, तो लॉग ऑफ 3 की भी वैल्यू पुट करनी है, तो इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ 2.4 है, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने पॉइंट को क्या करना है, ख़त्म करना है। पॉइंट जब ख़त्म करेंगे तो इस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साथ में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 4 है, मतलब 1 डिजिट है, तो आपने पॉइंट के बाद नीचे भी वैल्यू 1 लगा, 0 एक 0 लगाना है, ठीक है। अब 24/10 हो गया, आपने 24 का भी एलसीएम लेना है और 10 का भी एलसीएम लेना है, और उसकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ तक मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दिए, और ये 10 डिवाइड में था तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। याद रखना है कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में, लॉग में, तो वो प्लस में हो जाती है, डिवाइड में तो वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। अब 2 की पावर 3 है, जब पावर में 3 हो तो वो लॉग से पहले आ जाएगा, इसकी पावर में कुछ नहीं उसी तरह लिखेंगे, और इनकी भी पावर में कुछ नहीं उसी तरह ही लिखेंगे। 3 लॉग ऑफ 2 की भी वैल्यू पुट करेंगे, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग ऑफ 2 की भी वैल्यू और लॉग ऑफ 5 की भी वैल्यू पुट करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। इसका लास्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.018। सबसे पहले आपने पॉइंट को, इसमें से भी पॉइंट को ख़त्म करना है तो 1 लग जाएगा, पॉइंट की जगह 1, उसके बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो 4 आपने नीचे 0 लगा देने हैं, तो 81 डिवाइडेड बाई ये आपके पास 10,000 आ जाएगा, 10,000 है, ठीक है। अब 81 का भी आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, 81 का भी अलग से एलसीएम लेना है, और इसी तरह 1000 को, तो आपको पता है 10 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाता है, 10,000 आ जाता है, ठीक है। अब 3 की पावर, ये माइनस डिवाइड में आ रहा है 10 की पावर 4, तो इसको क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, तो 10 लॉग ऑफ 10 की पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब ये 4 पावर में है तो लॉग से पहले आ जाएगा, ये भी 4 पावर में है तो लॉग से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर लॉग ऑफ 3 की वैल्यू जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो डालनी, और लॉग ऑफ 10 आपको पता है कि लॉग ऑफ 10 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। इनको सारों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा।